एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अब हम लोग जा रहे हैं खठेरी बाजार और वहाँ पे कुछ खाना पीना करते हैं। आज का दिन खाने पीने के नाम, चलिए चलते हैं और कुछ खाते हैं। और फिलहाल मैं हूँ बनारसी चौक पे और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। मैंने फाइनली अपना जैकेट हटा दिया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और थोड़ा सा ही उन्होंने घबराहट सी होने लग गई थी क्योंकि काफ़ी गर्म होने लगा है। चलिए अभी चलते हैं और जल्दी से कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ एक प्लेट इडली, वो भी आधा मैंने खाया और आधा मम्मी ने, और एक कप चाय पिया मैंने, उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी टी स्टॉल की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, इनके यहाँ का चाय है एंड टोस्ट। एक अमूल का है सफेद जैसी अपना बनाया हुआ है। एक अमूल ब्रेड वाला आप कर दीजिए टोस्ट। और चाय में भी कोई फ्लेवर है स्ट्रॉन्ग? अदरक वाली, अदरक वाली कर दीजिए। इलायची होगी, अदरक नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, ब्रेड हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इलायची मिल जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, आप एक वो कर दीजिए। अच्छा, आपका ये जो स्टॉल है कितना पुराना शॉप है आपका? 60-65। और आपका हॉट सेलिंग चाय कौन सी है? ये इलायची वाली। हाँ, इलायची वाली। और टोस्ट कौन सा ज्यादा आपका सेल होता है? ब्रेड के अंडरग्राउंड। हाँ, वही आप हमको दोगे ना? कितना बजे से आपका? सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है ब्रेड टोस्ट जो बटर के साथ है, ये व्हाइट बटर के साथ है। और यहाँ पे हमारी 2 कप चाय आ गई है। अब इस ब्रेड की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर में आपको बटर मिलेगा, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर बटर फिल किया गया है। एंड ये मुझे हैवी लग रहा है वैसे। एंड ये आप देखिए व्हाइट बटर के साथ है, ये देखिए कुछ इस तरह का व्हाइट बटर में आपको टोस्ट मिल रहा है। एंड ये यहाँ की स्पेशलिटी है। तो चलिए हम लोग ये खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से खुला हुआ है, इसके अंदर बटर फिल किया गया है एंड इट्स लाइक ऑल बटरी। आप इसे प्रेस भी करेंगे तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे बटर आ रहा है। एंड ये देखिए फुल बटर से लोडेड है, मेरा हाथ आप देख सकते हैं पूरा बटरी हो गया है। Awesome. तो ये देखिए ये व्हाइट बटर है जो मैंने कभी नहीं खाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना हैव इट। सो ये भी काफी अच्छा है। अब ये मेरी चाय है जो इलायची चाय है। वाह, चाय और कुल्हड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग होता है। तो कॉम्बिनेशन के साथ खाने में मजा है। इलायची वाली चाय विद कुल्हड़, अल्टीमेट। जो चाय लवर है ना वो मेरी बात समझ सकते हैं। एंड यहाँ का चाय पीना आपके लिए एकदम रेकमेंडेड है। एंड विद दिस काइंड ऑफ टोस्ट अगर आपको मिल जाए, टोस्ट एंड टी जरूर खाइएगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए पहले मैं ये नाश्ता कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह और खाना एक्सप्लोर करते हैं। वैसे यहाँ का खाना मुझे वाकई अच्छा लगा, चाय ब्रेड बटर काफ़ी अच्छा था। एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप यहाँ ज़रूर से आए। तो अभी हम लोग मार्केट की गलियों में घूम रहे हैं, इसका नाम है खठेरी बाजार। एंड यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जहाँ मम्मी बोल रही हैं अभी हम वहाँ जा रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करने वाले वो भी नहीं मालूम। हाँ, अभी मम्मी सिर्फ गलियाँ घुमा रही हैं हमें, मतलब आज हम लोग सिर्फ खाने ही वाले हैं। अभी तक मैंने 3 चीज़ खा ली है, ब्रेड बटर चाय इडली, अब चाट खाना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बने रहिए, अभी हम लोग राम भंडार की तरफ निकल रहे हैं। क्या फेमस है क्या नहीं वहाँ जाके देखते हैं। राम भंडार जाएंगे, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ही खोजेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और स्वीट्स ट्राई करते हैं, यहाँ का कौन सा फेमस स्वीट अपने को खाने मिलता है वो चेकआउट करते हैं। सर, आपकी शॉप कितने साल पुरानी है? 150। एंड जनरेशन कौन सी? आई मस्ट बी 5th or 6th generation। 5th and 6th। एंड शॉप कब से कब तक खुलता है? 9 to 9। एंड आपकी फेमस स्वीट्स? लाल पेड़े एंड गिलहोरी। लाल पेड़े एंड गिलहोरी, ओके। दीज आर द फर्स्ट सेलिंग ओह, लेट मी सी द गिलहोरी। इसमें क्या फिलिंग्स है? अच्छा, ये गिलहोरी है। अच्छा, ये अपने जो
ग्रीन कलर में ये पिस्ता उसके काजू पिस्ता वाला ओके काजू पिस्ता एंड कैसा है लेट मी ट्राई सो दिस इज द वन Having and telling you कि ये कैसा है something different पिस्ता वगैरह का टेस्ट है इसमें is it a paste पिस्ता का पेस्ट है और काजू का दोनों का पेस्ट है ना एंड ये जो ऊपर है ये संदेश नहीं नहीं संदेश नहीं है मलाई मलाई ओके मलाई कैसा मलाई ऐसे दूध को पकाते पकाते क्रीम की लेयर हो जाती है तो दैट इज मलाई वो जो गाढ़ा हो जाने के बाद जो रबड़ी टाइप की जो बीज होती है वो भी नहीं है अच्छा तो पत्ते पत्ते बहुत थिन सी लेयर हो जाती है फिर इसको पत्ते को उतार के वो आती है उसमें ये मेवा रैप अच्छा दिस इज समथिंग वेरी यूनिक मैंने ऐसा तो दिलोरी नहीं ट्राई किया था सो आई रियली लाइक इट It's awesome. So this is second लाल पेड़ा ओके इसमें भी अगर आप देखोगे काजू बादाम डला हुआ है सो ये है and I'm gonna try it. One tooth was. Okay, the mawa, right? Mawa. Okay. And that color is the texture. It comes naturally. Oh. There is no fillers, no colors, no additives. मतलब कम में से जाते हैं वाला. हाँ, कम में ही high temperature पे थोड़ा. ये high temperature में जाते हैं. ओके इसमें ये कलर आता होगा ये पूरा प्योर मावा का बना प्योर मावा बस मावा और शुगर मावा एंड शुगर नथिंग एल्स इज एडेड इन दिस एंड ये ऊपर अपने काजू और बादाम का काजू और काजू एंड पिस्ता अल्टीमेट ये भी बहुत अच्छा है सो दीस टू आर समथिंग वेरी गुड व्हिच यू कैन ट्राई एंड टेक विद योरसेल्फ एंड सर ये कैसे आप इसे सेल करते हैं 450 पर केजी दोनों नहीं ग्लोरी इज 200 पर केजी ओके एंड वी आल्सो मेक अ स्पेशल ग्लोरी दैट इज अराउंड 2500 पर केजी 2500 पर केजी ओके क्या डिफरेंस द फिलिंग इज एंटायरली ऑफ पिस्ताशियो अच्छा ओके पूरा पिस्ता भरा है पूरा पिस्ता रहता है केसर रहता है ओके वो टेस्ट बहुत रिच होता है इफ यू हैव अगर आप वो ट्राई करेंगे तो यू वोंट गो फॉर दिस वन हां जो फेमस है एक तो ये गिलोरी वाला है और ये लाल पीला यस सो चलिए इनका उपन्यास किताब सब लिखे हुए हैं इसलिए ये फेमस है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मकान अच्छा हाँ हाँ आप लोग कहाँ के मैडम जयपुर जयपुर से आइए सर्वे करने जी तो यहाँ भी रहते हैं इसमें इनके प्रमोजन लोग होते होंगे अच्छा अभी कोई दिखते नहीं है ऐसे हाँ पहले जब हम लोग 8 साल के थे 12 तो ही बतावा थे इसी तो यहाँ मोहल्ले का राजा हुआ हम तो आगे ना जीत पाई ये महाराज जी है हमारे काशी के अच्छा। ये अग्रसेन कॉलेज के सामने रहते हैं अच्छा अच्छा ये बिजली विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे अब रिटायर हो गए अच्छा हाँ हाँ पहले जब हम बचपन में अग्रवाल समाज में पढ़ते थे तो इनके परिवार की एक लेडीज थी वो ऐसे ऐसे करती थी अच्छा लंबी सी थी उन्हीं की खानदान की थी हरिश्चंद्र जी के अच्छा इसको ये 50 वर्ष पहले एक बात बता रहे थे अब जिसे यह सुनिए शिवालय पर जाइएगा रत्नाकर जी वो भी बहुत सी किताबें लिखे हैं अच्छा हाँ ठीक आप लोग काल भैरव नहीं आई क्या काल भैरव गए थे ना काल भैरव हो के चली आई हमारा उसी जगह मकान है अब गंडे पाड़ी भैरव गए कि नहीं सर जी काल भैरव के बारे में आप बताइए ना कि वो मंदिर इतना फेमस क्यों है क्या है वहाँ पे वो काल भैरव काशी के कोतवाल है अच्छा ये थे पहले बन भैरव
जंगल था, इसको बसाया गया है। अच्छा। और काल भैरव में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, उसके अंदर रात कोई आदमी रह नहीं सकता, मरा फूलेगा। अच्छा। जागता हुआ है। हाँ। अच्छा। हम तुमको बताएं, हम काल भैरव के पास ही मेरा मकान है, 8 फुट ऊपर जब सोते हैं हम कमरे में, जैसे लगता है रिक्शे से कोई आ रहा है, और जो खिड़की खोल के देखते तो कोई नहीं है, ये भैरव जी मनकंका चले जाते हैं रात को। अच्छा। हाँ, ये कि बहुत ताकत। औरंगजेब ने आया था, हर मंदिर तोड़ बनाया मस्जिद, लेकिन काल भैरव को नहीं बना पाया, उसको भौरा लगा काटने। अच्छा। हाँ, भौरा लगा उसको काटने, विश्वनाथ जी में बना दिया मस्जिद, लेकिन काल भैरव नहीं बना पाया। थैंक यू सो मच अंकल। पहले काल भैरव दर्शन किया। अच्छा, काल भैरव पहले गया। हाँ, काल भैरव गए, फिर वो काशी विश्वनाथ गए मोदी जी। हाँ, कोतवाल से ऑर्डर लिया कि हम जा रहे हैं काम करने। अच्छा अच्छा, कोतवाल ऑर्डर देता है। हाँ, ये तो बड़ी सही बात है। और सुनो जी, जब से मोदी आया ना, हाँ जी, पूरे हर जगह की जनता पहले काल भैरव ही आना चालू कर दिया। अच्छा। उमा भारती भी आती है, पवित्र तोड़िया भी आता, मतलब जितने इंडिया के लीडर है सब काल भैरव पर हाजिरी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग अभी जाके देखते हैं। हाँ, है ना। अच्छा, तो आपका कौन सा पान सबसे ज्यादा मशहूर है, मीठा या कैसा वाला? मगई। मगई पान। मगई में क्या डलता है अंकल? पूरा सादा। वो जर्दा, जर्दा वगैरह भी डलता है क्या? जर्दा वो अलग चाहता है, वो अलग अलग जर्दा सादा आता है। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे को एक मीठा पान लगाएंगे? लगा किया हो। कैसे कैसे बनाते हैं मुझे वो भी दिखाइए। दिखाइए राजू, होते इनके दिखा दीजिए क्या क्या चीज डालते हैं, डाल के इन लोग की खिलाओ। अच्छा, ये पान आपका बनारसी पान हुआ? हाँ 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 हाँ। फर्क क्या पड़ता है इस पान, मतलब पत्ते का कैसे पता चले कि ये बनारसी पान है? मुलायम रहता है, एकदम नरम रहता है, एकदम नरम। बनार में आगे उसको बनार का नाम मिलता है। इतना नरम रहता है ना। हाँ। कि खाने में उसका स्वाद मिलेगा, बहुत पान बहुत कड़ा रहता है। हाँ। फाल देता है। हाँ हाँ हाँ। ये मीठी रहेंगी। याद करिएगा इसको थूकिएगा बहुत जी, कुछ के घोट जाइएगा। पान तो हमें बहुत पसंद है, पान अच्छी मिल जाए तो पान का मजा ही अलग हो जाता है। ये बनारस का प्रथम दुकान है नामी। अच्छा। हाँ, पान तो बहुत सी दुकान है, उनकी 5 हो गया है, लेकिन पुरानी दुकान है, बहुत दिमाग से पान लगा रहे हैं आपके लिए। हाँ। देख रही हूँ भैया, बहुत टाइम से अच्छे से बना रहे हैं। ऐसा पत्ता मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन बनारसी पान। वाह 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 वाह, ये है मेरा पान, आधा ही खाएंगे। पूरा खा लो, पूरा तुम खा लो, उसको पूरा डाल लो। बतिया मत पहले उसको दगावा के घोटो। राजू, एक पान हमें किया यार, हमें सादा जर्दा वाला पानी है, पानी है। और बेटर है ये पान। लो हाँ, पानी धो, कपड़े लगे तो ना। आपको खराब हो जाएगा, नहीं आपको खराब हो जाएगा। हाँ, पान खा के, एक पान मेरे बोलने पे खाओ, मजा नहीं आता, अब नाम बदल देना। तो पान खा के तो बहुत मजा आ गया, गले में अभी भी ठंडक लग रही है, काफी अच्छा। मतलब मैं बचपन से पान खाई हूँ, कलकत्ता का पान खाया, रायपुर का पान खाया, यहाँ का पान खाया, अल्टीमेट अंकल ने जो पान खिलाया ना, मजा आ गया। अंकल, इस जगह को क्या कहते हैं? चौखंबा। चौखंबा, जौहरी बाजार। जौहरी बाजार। ओके, तो अगर आपको ये पान ट्राई करनी है, बनारस की ऑथेंटिक पान जो होती है, बाबू नंदन पान वाले के यहाँ आप लोग आ जाना। अंकल, आपका नाम भी बता दीजिए। अरुण सिंह। अरुण सिंह जी ने मुझे बहुत अच्छी पान खिलाई। एंड एक चीज है,
आप जितना भी एक्सप्लोर करो, जितना आपको लोकलाइट बता सकते हैं उतना आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि गली गली में आपको कुछ ना कुछ फेमस और कुछ ना कुछ टेस्टी मिल ही जाना है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। अब पेट पूजा की बारी आती है क्योंकि बज गया है 1:30। तो हम लोग अभी श्री जी में है, यहाँ पे हम लोग लेने वाले मलाइयो। कितने लोग हैं आप लोग? बस एक दिन को जैसे हम लोग ब्लॉगर है, तो आप कैसे क्या बनाते हो इस चीज का? वो चीज रहता सामने दिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ठीक है, पता नहीं कल आए तो ज्यादा अच्छा। आज तो हम निकल जाएंगे, हमें पता नहीं, हमें किसी लोकलाइट ने बताया। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना आप भी ने इसकी पहले शुरुआत की है। वो तो दादा जी की पहले से है यहाँ पे। तो मतलब ये काफी पुरानी दुकान है? हमारी दुकान करीब करीब 90 साल पुरानी है। अरे वाह। तो सिर्फ मलाइयो आपकी फेमस है या इसके अलावा भी कुछ और आप बनाते हैं? अपने यहाँ से तो सभी अच्छी चीज रखते हैं, लेकिन मलाइयो के लिए अधिक लोग जानते हैं। अच्छा, मलाई, मलाई पूरी, श्रीखंड। अच्छा अच्छा, सब कुछ सही है। और ये विधि आप लोग मतलब कैसे बनाते हो? अभी कुछ बना कैसे बनाते हो ये तो बताइए। दूध को उबाल कर रखते हैं रात को, रात को सुबह भोर में उसको जैसे मक्खन नहीं मचाता है उसको मथाया जाता है, जो एक आध घंटे बाद जो मोटी ले रहती है उसमें इलायची केसर सब कुछ डाल। अच्छा बस बस सही है। और ये विंटर में ही आपको 3 से 4 महीने मिलना है। 3 से 4 महीने बस। उसके बाद ये मौसम देखिए कम हो रही है। हाँ। अब ये 15-20 दिन 25 दिन और चलनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या उसका अल्टरनेटिव? उसके बाद कुल्फी चालू हो जाती है। कुल्फी? हाँ। कौन सी? केसर कुल्फी वाली? केसर कुल्फी, मैंगो कुल्फी, ये सब। अच्छा, वैरायटी में आपकी कुल्फी मिल जाती है। लस्सी भी बनाते हैं आप? लस्सी अपनी सब। अच्छा कोई नहीं, तो अभी आप हमें मलाइयो ट्राई कराएंगे। फिलहाल हम लोग श्री जी में आ चुके हैं और यहाँ पे मलाइयो ट्राई करेंगे। 90 ईयर्स ओल्ड शॉप है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती है। तो चलिए अभी हम लोग मलाइयो ट्राई करते हैं। देखा लिया? अरे हाय, ये तो इससे भी ओवरलोडेड है। मम्मी क्या हो रहा है? लग रहा है आप खा जाएंगे पूरे। ये देखिए, ये है मलाइयो और इसके ऊपर है बादाम, पिस्ता। केसर डालो ना भैया इस पे। देखो केसर मिक्स। देखिए हम लोग ऐसे इसमें पूरा फुला हुआ रहता है। अरे वाह, ऐसे करते देखिए ये। अच्छा ये ऐसे केसर डालते हैं। अच्छा ये ऐसे ऊपर से डल गया। केसर गुलाब जल मिक्स होता है। लीजिए मम्मी। तो हम खा रहे हैं मलाइयो, टेस्ट कर बताएं आप हमें। ये फोम जैसा लग रहा है, हल्की है ना, एकदम रूई जैसी होती है। इसमें ये बाप रे कैसे खा रही हो, ठीक से तो खाओ। टेस्टी लगी है ना? चलिए अब मैं खा लूँ। इसमें गुलाब जल और उसका सबका फ्लेवर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे खाने दीजिए, आप ये पकड़िए। तो फिलहाल मैं ये मलाइयो खा रही हूँ एंड ऑनेस्टली लास्ट 2 टाइम्स से ये तीसरा बार है जो मैं मलाइयो खा रही हूँ, जो ओरिजिनल जहाँ से बनाया गया था, जहाँ से जो रेसिपी यहाँ से आई है। एंड अगर आप इसका टेक्सचर दिखाऊँ तो ये एकदम फोम जैसा है, रूई बोलना बेटर रहेगा। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं इसमें कैसा फ्लेवर आता है। गुलाब का टेस्ट आ रहा है, केसर, और हर बाइट में ना बादाम का फ्लेवर है, मतलब बादाम की जो क्या बोलते हैं उसको, स्लाइस जो होती है, एंड इट एक्चुअली हल्का होता है। देखने में आपको लगेगा बहुत सारा है पर ये एक्चुअली इतना हल्का है कि आप पूरा खा लेंगे, जैसे मैं खाने वाली हूँ और मम्मी को एक पीस नहीं मिलने वाला है। इसमें डल गया है दूध और अब हम इसे पीने वाले हैं। अब देखिए, अब इसे आपको बस मिक्स कर देना है ताकि ये मलाई जो है ना वो इसके साथ मिक्स हो जाए। एंड यू कैन हैव इट। ये मैं पीऊंगी, आधा मम्मी पियेंगी, आधा मैं पीऊंगी एंड आधा मम्मी पियेंगी, बिकॉज वी जस्ट शेयर इट, यू नो। सो लेट्स गो। नहीं शेयर इट नहीं, उतना नहीं पिएगी इसलिए। आप नहीं पिएगी? मैं पीऊँ थोड़ा सा, पीऊँ ज़्यादा नहीं। सो ये चला गया मम्मी के पास, ये चला गया मम्मी के पास एंड मम्मी इज लाइक
तो चलिए, हमने यहाँ पे मलाइयो खाया जो यहाँ का बहुत पुराना और फेमस था. सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आपको रिकमेंड भी करूँगी कि आप यहाँ पे आके ज़रूर से मलाइयो खाइएगा. तो गाइज, इस वीडियो में अभी हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं. लंच टाइम हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 2 बजने को आया है. तो चलिए अब चलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं.